भरतपुर के कामा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई। विवाद के दौरान फायरिंग करने का भी मामला सामने आया है, आरोप लगाया है। आपको बता दें कि झड़प में करीब 6 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। थानाधिकारी देरावर सिंह पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर रवाना हुए हैं। तो भरतपुर के कामा से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी बाटा जंग हुई। विवाद के दौरान फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया। झड़प में करीब 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। थानाधिकारी देरावर सिंह पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर रवाना हुए हैं। कामा थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। भरतपुर के कामा से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी बाटा जंग हुई। विवाद के दौरान फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया। झड़प में करीब 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। कामा थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो भरतपुर के कामा से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी बाटा जंग होती है, उसके बाद फायरिंग का भी आरोप लगाया जाता है। आपको बता दें, थानाधिकारी देरा राव मैं पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता कामा से हरिओम। हरिओम, क्या पूरा मामला है? फायरिंग का भी आरोप लगाया गया है, दो पक्षों में लाठी बाटा जंग हुई है। जी गौरव जी, मैं ऐसा भी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज सुबह की घटना है। सुबह जैसे ही राम, ये एक किसान था जो राम हंस पुत्र भीम सिंह गुजर, जो अपने खेतों पे खेत जोतने के लिए गया था, और वहां पर उसी के परिवार के लोगों ने उसके जमीनी विवाद को लेकर उस पर हमला कर दिया, और झगड़े के दौरान फायर भी की गई, और फायर की घटना को अंजाम देने के बाद में जैसे ही वापस ज्यादा लोगों की भीड़ हो गई, और उसके बाद में घटना की पुलिस प्रशासन को सूचना मिली, जिस पर कामा थाना अधिकारी देवराज सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था को बनाने के लिए अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में लेने की खबर आई है। और इधर घायल का कामा के राजकीय अस्पताल में इलाज भी जारी है। जी सर जी, अभी घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है? 6 लोग घायल हुए इस पूरी घटना में। अभी घायल सरकारी अस्पताल में एक को भर्ती कराया है, जहाँ पर उसका इलाज जारी है, और फिलहाल में अभी घायलों को लाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम इस तमाम जानकारी के लिए।